देखें जनाब, जबरदस्त से स्मोकी तंदूरी चिकन कटलेट्स बनके तैयार हैं। ये देखिए इसका, देखें आप, बहुत क्रंची है, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, लेमन की खटास की वजह से बड़ा मजे से कुछ चाट जैसा फ्लेवर आ रहा है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी रेसिपी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अगर मेरे आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखिए ये स्मोकी तंदूरी चिकन कटलेट्स कैसे बनते हैं। मैं आज बना रही हूँ चिकन तंदूरी कटलेट्स। मेरे पास हरा धनिया, बहुत सॉरी हरी मिर्च और अदरक लहसुन, मेरे पास 3 किलो आलू हैं, तो इस हिसाब से बना रही हूँ। मैंने 3 टीस्पून के करीब या 2 टेबलस्पून ही फुल समझे आप, इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, ये चिकन मेरे पास पक्की भी रखी थी, मैं एक टीवी शो देख रही थी तो उसमें काफ़ी मशहूर हैं वो शेफ, तो किसी बेचारी ने, गरीब ने सवाल पूछ ही दिया उनसे कि ये बताएं कि अगर सालन बच जाए, कहते कुछ ना करें। एक तो शी इज़ वेरी रूड, तो वो मुझे उनकी बात बड़ी बुरी लगती है। इज्जत और जिल्लत देने वाला परवरदिगार है, तो आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए किसी से। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर भी रहा है, आपको इस काबिल समझ रहा है, तो इतराहट इतनी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने बड़ी रूडली, आज मैं उनका प्रोग्राम देख रही थी। फ्रीजर में डालें 10 दिन बाद दोबारा खा लें। अरे बीबी, ना आपको बेकिंग आती है ना कुछ आती है, बस आपका नाम बड़ा था, आप कुकिंग पहले प्रोग्राम कंडक्ट करती थी तो आपका हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और लोगों की ज़हनियत पे भी अफसोस हुआ जो ऐसी औरतों का इज्जत देते हैं और उनसे पूछते हैं। तो ये मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, किसी पर चिकन विकन बच जाए, कोई ये पड़ी हो, कोई ना खा रहा हो, तो आप उसके ये कबाब बना के रख दें, काफ़ी दिन चलेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। मैं इसमें किसी भी कंपनी का ले लें चिकन तंदूरी मसाला, वो एक पैकेट डाल दूंगी, ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। बस ये चिकन क्योंकि कुक हुई थी, बस तंदूरी मसाले को एक हीट देनी है और ये तैयार है। फिर इसको हम चॉपराइज करते हैं और कबाब बनाते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, एक हीट दे रही हूँ, अच्छी सी हीट आ जाए इसमें, फिर उसके बाद हम इसको चॉपराइज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये इसको मैं चिकन को उसमें डाल दिया, सिर्फ 5 मिनट मैंने किया है मिक्स और डाल दिया। अब इसको चॉपराइज कर लेते हैं। 15 मिर्चें डाल रहे हैं, 15 पीस, और 3 बड़ी प्याज डाल रहे हैं। मैं बार बार बताऊं कि मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है और मेरे पास 3 किलो आलू है, तो इसलिए मसाला जो है मैं 4 किलो के हिसाब से चाहिए, ठीक है। देखें, एक बड़ी गड्डी हरे धनिया की, ये हमारे अपने फार्म की, वो काट के डालूंगा। हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज तीनों ग्राइंड हो गए, चिकन पिसी हुई है, इसके अंदर ही डाल दूंगी। ये हो गया, अब इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी चिकन पाउडर, नमक नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि तंदूरी चिकन में भी नमक है और इससे पहले जो चिकन पकाई थी उसमें भी नमक है, तो अभी ये 2 डालूंगी। इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर नमक की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे और नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें आलू मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने ये देखे 3 kg आलू मैश करके रखा हुआ है, अब इसमें मिक्स करती हूँ। अब ये 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी इसमें, ठीक है, फ्रेश डालना चाहिए तो फ्रेश डालें, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। और अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। ये थोड़ा ढीला होगा प्याज वगैरह की वजह से, तो इसमें अभी हम चावल का आटा मिलाएंगे, ठीक है। पहले सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसमें तकरीबन मैं अभी फिलहाल 1 पाव चावल का आटा डाल रही हूँ, अगर आधा किलो लेके आई थी मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। चावल का आटा ज़्यादा डालने से कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसमें कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि चावल क्या कहते हैं, पानी जस्ट करता है, तो थोड़ी देर बाद में इसे थोड़ी देर चावल का आटा डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो इतनी अच्छी ग्रिप देगा, फिर ना आपको अंडे की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, सुकून से कबाब तल जाएंगे। तो ये खुद ही ना अभी इसको आलू प्याज सबका पानी चूस के ये 1 पाव के करीब मैंने डाला है, 1.5 पाव हो गया ऐसा, बस अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इतना आलू में पानी है क्या है, तो इसको करके अब ये थोड़ी देर में ना बहुत अच्छी सी ग्रिप ले लेगा,
क्योंकि चावल आपको पता है कि पानी में जाने के बाद फूलता है, तो चावल इसका सारा हम लोग करते हैं ना, जैसे मोबाइल को में पानी चला जाए तो उसे चावल में डाल देते हैं, चावल मोबाइल के अंदर का पानी भी जस्ट कर लेता है, तो ये तो फिर चावल इसमें डला हुआ है। थोड़ी देर में आपको इतने अच्छे ग्रिप के कबाब ये नजर आएंगे, अभी भी देखिए ग्रिप अच्छी आ गई है। मैं थोड़ा सा ये ग्रिप ले ले, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी ताकि कबाब के अंदर थोड़ा सा चिकनापन भी आए। वैसे ऑयल है इसके अंदर चिकन की वजह से, लेकिन 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून ये हाथ पे लगा के बना लूंगी, ताकि ये देखें अभी ग्रिप कितनी अच्छी आ गई, देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ना बिल्कुल हाथ पे चिपकेगा भी नहीं, इतनी अच्छी ग्रिप आ जाएगी इसकी। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद फिर से कबाब बनाते हैं। पहले स्मोक देंगे फिर कबाब बनाएंगे, अब आपको खा के बताएंगे कि कैसा बना, ठीक है? तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये देखें कबाब हो गया, अब इस कबाब को हम देंगे धुआं। तो ये मैंने कोयला कर दिया है, ठीक है, कोयला जला दिया। कोयले पे हम थोड़ा सा थोड़ा ऑयल डालेंगे सारे कोयले पे, और इसको ढक देंगे, ठीक है। अब इसको ढक देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, ये सारा स्मोक इसमें आ जाएगा, फिर हम इसका कबाब बनाएंगे। ये देखिए अब इसको स्मोक हो चुका है, अब हम इसको ऊपर नीचे करके एक दफा मिक्स करेंगे और इसके कबाब बनाना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 40 ग्राम्स के करीब होगा इसके कबाब। ये देखिए ऐसे करके करते हैं, इसको यहाँ से ना ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये गोल होता जाएगा। उसके बाद हल्का सा प्रेस किया और इसे रख दिया, इसको बनाते जाएंगे। उसके बाद जब एक लेयर पूरी हो जाएगी तो इस पर फिर हम प्लास्टिक लगाएंगे, और जब फ्रीज हो जाएगा तो निकाल के रख देंगे। हल्का सा पानी लगा लें तो बहुत अच्छा शेप आता है, और क्योंकि चिकन मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर दी है तो उसके हर रेशे में चिकन मौजूद है। तो ये हमारे स्मोकी चिकन क्या कहते हैं तंदूरी चिकन कटलेट जो है तैयार हैं स्मोकी। तो अब मैं आपको एक आध फ्राई करके भी दिखाऊंगी और इसका टेस्ट भी बताऊंगी कैसा है। तो चले पहले हम ये सारा बना लेते हैं फिर फ्राई करते हैं। ये देखिए इस तरह प्लास्टिक लगा के रखते हैं, ये 60 कबाब बने और इसके अलावा 4 कबाब और, तो मैं टोटल 64 कबाब बने। ये काली मिर्च गिर गई है अभी यहाँ पे उठाती हूँ मैं, ठीक है। और ये देखें, ये देखिए कोई अंडा नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं है। पैन में आपको एक ग्रैन्यूल नजर नहीं आएगा। ये देखें ये कबाब फट रहे हो, आलू के हैं साइड से निकल रहे हो, इंतहाई कम तेल, जितना तेल डाला था उतना ही पड़ा हुआ है, हल्का हल्का सिक रहा है और फिर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए कि हमने अंडा नहीं डाला, ब्रेड क्रम नहीं डाला, कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चावल का आटा डाला है हमने स्मोकी तंदूरी चिकन कटलेट्स में। और ये देखिए कितना बेहतरीन तैयार हो रहा है, सब कुछ इसके अंदर कुक्ड है, तो हमें ये भी डर नहीं है कि अगर जल्दी फ्राई हो जाएगा तो क्या होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये देखें, एक ग्रैन्यूल कहीं नहीं है, एक ग्रैन्यूल कहीं हो कि आप कहें कि कबाब यहाँ से फट रहा था और यहाँ से ये हो रहा था, ठीक है। जबरदस्त सा कबाब बन गया है, आप ही बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, मुझे जरूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।